हल्द्वानी के मुखानी थाना में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। कुसुमखेड़ा क्षेत्र के गोविंदपुर गढ़वाल में पिछले कई महीनों से एक समुदाय का एक युवक अपना नाम बदल कर रह रहा था। युवक का एक दूसरे समुदाय की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों को पता चला तो उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर मुखानी थाने ले आए, जिसके बाद तमाम अन्य संगठनों के लोगों ने थाने में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। वहीं क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि वह व्यक्ति पिछले कई महीनों से अपना नाम बदलकर कुसुमखेड़ा में रह रहा था और यह रिलायंस मॉल में काम कर रहा था। युवक ने एक लड़की को अपना नाम बदलकर प्रेम प्रसंग में फंसाया। वहीं जब लड़की को पता चला तो युवक उसे ब्लैकमेल करने लगा और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा, जिसके बाद लड़की ने थाना मुखानी में प्रार्थना पत्र देकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। बजरंग दल और अन्य संगठनों को पता चला तो उन्होंने जमकर मुखानी थाने में हंगामा काटा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आज सुबह प्रातः सूचना मिली कि एक युवक यहाँ कई समय से रह रहा है, जो कि अपनी पहचान को गुप्त रखे, दूसरे धर्म का होकर अपने नाम को कुछ गलत बता के अपनी पहचान छुपा के लगातार यहाँ क्षेत्र में रह रहा है कई समय से, और उसके द्वारा कई बहनों के साथ, मतलब जो हमें अभी जानकारी मिल रही है, उनके साथ अपना रिश्ते रख के वो करके उनको गलत तरीके से उनका इस्तेमाल करके जो भी चीज़ें वो लगातार कर रहा है, इसकी जानकारी हम लोगों को मिली। हमने कार्रवाई की मांग पुलिस के सामने रखी, पुलिस ने उसको अपनी गिरफ्त में लिया है और अब उस पर कार्रवाई का जो प्रोसेस है वो आगे चल रहा है। और क्या कहते हैं, हमारे हिंदू समाज की कितनी बहनों के न जाने वो संपर्क में था और हमने कार्रवाई की मांग रखी है। अभी तहरीर भी हम उसके परिवार की तरफ से भी, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र से रहते थे, अभी यहाँ पे दी जा रही है। और हम ये मांग करते हैं कि इस प्रकार से जो लोग अपने घरों में भी लोगों को किराए पे घर दे रहे हैं बिना सत्यापन करके, उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो इस प्रकार के कामों में लगे हैं, अपनी पहचान छुपा कर हमारी बहनों के साथ और ये समाज में गलत तरीके से हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुखानी थाना अंतर्गत जो है, एक युवती ने शिकायत करी है कि वो एक फरमूद अली हसन नाम का व्यक्ति है, जो शुरू में उसको अनमोल नाम से मिला और उससे दोस्ती हो गई और शादी करने की बात कही और उस दौरान रिलेशन भी बने। बाद में पता चला कि वो उसका असली नाम, युवती को पता चला कि फरमूद हसन है, तो उस पर उसने फिर एतराज़ जताया। और एतराज़ जताया तो उसका कहना यह है कि वो उसको एक धमकी दे रहा था कि मैं तेरे वीडियो वायरल कर दूंगा। तो आज इस संबंध में उसके द्वारा एक तहरीर थाने में दी गई है, तो अभी वो पंजीकृत करेंगे और नियमानुसार जो भी इसमें कानून धारा लगेंगे लगा के इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। प्रातः हमें ऐसी सूचना मिली गोविंदपुर गढ़वाल के रहने वाले लोगों से कि कोई वहाँ नाम बदल करके, अपना अनमोल नाम बता करके एक मुसलमान युवक वहाँ रहता है, और वहाँ जाँच करने पर वो कथन सत्य पाया गया और उसके प्रेम पास में फंसी हुई हिंदू समाज की एक लड़की जो थी वो भी वहाँ हम लोगों को वो मिली, और उससे पता लगा कि ये लड़का जो है अपना नाम बदल करके इस लड़की के साथ जो है प्रेम प्रसंग में लिप्त था। तो अभी इस चीज़ की तहरीर हमने दी है, लव जिहाद का ये मामला बनता है और इसकी सूचना पुलिस को दी गई है FIR जी। मेरा नाम गिरीश पांडे है।